माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। वंस अगेन आई केम बिफोर यू टू मेक यू अवेयर एंड मोर अलर्ट अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस व्हिच मे बी काउंटर्ड बाय यू इन योर फोर्थ कमिंग कॉम्पिटिटिव एंड एकेडमिक एग्जाम्स। लेट मी अलोट टू पुट बिफोर यू सम कीवर्ड्स व्हिच वी हैव strangely or you can say exceptional words, especially on the basis of number. Here you can see basis of these divisions are discussed. Find out the wrong word in this sentence. तो आपको समझना होगा कि बेसिस ऑफ दिज डिविजन्स आर डिस्कस्ड, इसमें रॉन्ग वर्ड, गलत शब्द कहाँ है ऑन द बेसिस ऑफ एस्टेब्लिश्ड ग्रामेटिकल रूल्स। बेसिस ऑफ दिज डिविजन्स आर डिस्कस्ड में डिविजन्स आर का ये रिक्वायरमेंट है कि ये जो बेसिस है ये प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, जबकि आपको पता होना चाहिए कि बेसिस जो है वो सिंगुलर फॉर्म है। इसका प्लूरल फॉर्म होता है बेसिस, बी ए एस ई एस। तो यहां बेसिस न होकर के बेसिस होना चाहिए, क्योंकि इधर डिविजन्स लिखा है। बेसिस ऑफ दिज डिविजन्स, नो, बेसिस ऑफ दिज डिविजन्स आर डिस्कस्ड। तो आर से भी और सब्जेक्ट के भी सेकेंड पार्ट से ये स्पष्ट होता है कि यहां प्लूरल नंबर नाउन चाहिए, जबकि यहां सिंगुलर नंबर नाउन लिखा गया है बेसिस। बेसिस का प्लूरल फॉर्म यहां होना चाहिए था बी ए एस ई एस, बेसिस, क्योंकि सब्जेक्ट फॉर्म जो है वो बेसिस ऑफ दिज डिविजन्स, बेसिस ऑफ दिज डिविजन्स इन बेसिस ऑफ दिज डिविजन्स में डिविजन्स प्लूरल फॉर्म में है, तो यहां बेसिस भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, और बेसिस का प्लूरल फॉर्म होता है बेसिस। तो यहां आपको जानने के लिए अति महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि इस तरह के कुछ और भी वर्ड्स आपको मिलेंगे जिसके लास्ट में एस आई एस होगा, जैसे ओएसिस, एनालिसिस, थेसिस, क्राइसिस, और इन सारे वर्ड्स का जो प्लूरल फॉर्म होगा वह एस आई एस जो लास्ट में है उसको एस ई एस में चेंज करके होगा। तो ध्यान रखेंगे इन वर्ड्स का, इनके सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म को, ताकि आप सब्जेक्ट भाव एग्रीमेंट में, वर्ब के फॉर्म के चुनाव में, या खास करके प्रोनाउन के एप्लीकेशन में जो गलती हो उसको ट्रेस कर सकें या अपनी ओर से कोई गलती न करें। तो कीवर्ड के फर्स्ट ग्रुप में आज हम लोग को क्या मिला? बेसिस, ओएसिस, एनालिसिस, क्राइसिस एंड थेसिस। लास्ट में सिस कंटेनिंग वर्ड एस आई एस, इनका प्लूरल नंबर होगा एस ई एस, सिस को ऐड करके सिस की जगह पर। ओएसिस का ओएसएस, थेसिस थेसिस, क्राइसिस क्राइसिस, बेसिस बेसिस, एनालिसिस एनालिसिस। नाउ यू हैव टू सी द सेकेंड क्वेश्चन। रेडियस ऑफ दीज सर्कल्स हैव बीन कैलकुलेटेड, रेडियस ऑफ दीज सर्कल्स हैव बीन कैलकुलेटेड, रेडियस ऑफ दीज सर्कल्स हैव बीन कैलकुलेटेड। माय डियर स्टूडेंट्स, हियर यू कैन ट्रेस द नंबर ऑफ रेडियस। क्या आप रेडियस के नंबर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं?
के सिंगुलर है कि प्लुरल? ये तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो वर्ब है हैव प्लुरल कैटेगरी का है, तो हमको सब्जेक्ट को पहले उससे मिला लेना है कि सब्जेक्ट भी हमारा प्लुरल होना चाहिए। तो यहीं पर बात बन जाती है और बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको समझ बनानी चाहिए कि रेडियस सिंगुलर नंबर वर्ड है, इसका प्लूरल नंबर होता है रेडी, आर ई डी डबल आई। तो यहां रेडियस को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? रेडिस। रेडी ऑफ दीज सर्कल्स हैव बीन कैलकुलेटेड। माय डियर स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी अनदर सम कीवर्ड्स दैट बिहेव स्ट्रेंजली टू मेक देयर प्लूरल फॉर्म। द वर्ड रेडियस, अब इसका ये सिंगुलर था और इसका प्लूरल क्या हुआ? रेडी। तो आप देख रहे हैं कि यू एस जो है वो चेंज कर गया है किसमें? आई में। ऐसे कुछ और भी वर्ड्स हैं जो आपको याद रहना चाहिए, जैसे एलुमनस, जैसे एलुमनस, फोकस, फंगस, रेडियस, जीनियस, कैक्टस, माय डियर स्टूडेंट, हियर यू कैन सी अनदर ग्रुप ऑफ स्ट्रेंज वर्ड्स दैट हैव देयर प्लूरल फॉर्म ऑन इट्स पर्टिकुलर फॉर्म। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर यू हैव टू बी एक्वेंटेड विद एन अनदर ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स दैट वी हैव स्ट्रेंजली to make their plural form, the word that contains us, such as, जैसा आपने यहां देखा radius, us से last कर रहा था, इसका plural बना ready, r e d double i, तो ये i आ गया है किसके जगह पर? us के जगह पर। ऐसे कुछ और भी वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे एलुमिनस, फोकस, फंगस, रेडियस, जीनियस, कैक्टस। रेडियस, जीनियस, कैक्टस, फंगस, एलुमिनस, फोकस। एलुमिनस, फोकस, फंगस। एलुमिनस, फोकस, फंगस। रेडियस, जीनियस, कैक्टस। रेडियस, जीनियस, कैक्टस। माय डियर स्टूडेंट्स, हियर यू हैव टू बी एक्वेंटेड विद एन अनदर ग्रुप ऑफ स्ट्रेंज वर्ड्स दैट हैव देयर ओन पर्टिकुलर स्पेशल प्लूरल फॉर्म, सच एज एलुमिनस, फोकस, फंगस। एलुमिनस, फोकस, फंगस, रेडियस, जीनियस, कैक्टस। दीज आर द वर्ड्स व्हिच कैन बी चेंज इनटू प्लूरल टू अल्टर द यूएस विद आई। So you can see that एलुमिनस का प्लूरल होगा एलुमनी, फोकस का प्लूरल होगा फोकी, फंगस का फंगी, रेडियस का रेडी, जीनियस का जेनी और कैक्टस का कैक्टी। तो ये सेकेंड ग्रुप हमने देखा जो इस सवाल से आया था, रेडियस ऑफ दीज सर्कल्स हैव बीन सर्कुलेटेड। यहां रेडियस सिंगुलर नंबर था, इसको हमें प्लूरल करना पड़ेगा, तब जाकर के सब्जेक्ट का जो लेटर पार्ट है सर्किल्स और फिनाइट वर्ब का जो रूप है प्लूरल, वो सब्जेक्ट से मैच करेगा। तो यहां भी हमें प्लूरल नंबर
नाउन चाहिए था तो ये रेडियस नहीं होगा, रेडी होगा. नेक्स्ट वी हैव टू प्रोसीड टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन. डेटा प्रोवाइडेड बाय द एजेंसी इज नॉट प्रोसेस्ड. चूज द रॉन्ग वर्ड. डेटा प्रोवाइडेड बाय द एजेंसी इज नॉट प्रोसेस्ड. सब्जेक्ट का फॉर्म क्या है? इज सिंगुलर नंबर है. सब्जेक्ट का फॉर्म क्या है? डेटा. प्लूरल नंबर है. मिसमैच कर रहा है. एसएसपीपी का पालन नहीं हो रहा है. बेसिक रूल है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. जैसा कि आपको पता है इसका एक्सेप्शन तीन तरह के केसेज होते हैं और उसमें से कोई यहां नहीं है. तो तीन स्ट्रेंज सिचुएशंस को छोड़ के बाकी हर जगह सब्जेक्ट और वर्ब का जो नंबर है वो सेम होता है. और यहां देख रहे हैं कि डेटा प्लूरल नंबर वर्ड है और इज सिंगुलर नंबर वर्ब है, तो ये एग्रीमेंट सही नहीं है. हमें या तो इसको आर करना पड़ेगा या इसको प्लूरल करना पड़ेगा, सिंगुलर करना पड़ेगा. तो हम यहां आर कर दें फिर भी सेंटेंस सही हो जाता है, फिर डेटा आर हो जाएगा. और यदि इसे इज रहना दें तो ये भी सही किया जा सकता है. हम यहां सिंगुलर वर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट पुट कर दें तो यहां आप समझ सकते हैं कि डेटा प्लूरल वर्ड है और इसका जो सिंगुलर होता है वो है डेटम, डी ए टी यू एम, डेटम. तो यहां होना चाहिए डेटम प्रोवाइडेड बाय द एजेंसी इज नॉट प्रोसेस्ड, क्योंकि इज सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर वर्ब के साथ हमें सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन ही देना होगा और यहां उपयुक्त शब्द डेटा नहीं होगा, डेटम होगा. तो माय डियर स्टूडेंट, हियर यू हैव टू बी एक्वेंटेड विद द थर्ड ग्रुप ऑफ स्ट्रेंज वर्ड्स विच हैव देयर ओन पर्टिकुलर स्पेशल प्लूरल नंबर फॉर्म. द वर्ड्स विच कैन बी ट्रेस्ड एज डेटा और सिंगुलर नंबर इसका क्या था? डेटम. यू एम एंडिंग वर्ड्स, यू एम एंडिंग वर्ड्स सच एज एजेंडम, मेमोरेंडम, डेटम, स्ट्रेटम, स्पेक्ट्रम, मेमोरेंडम. माय डियर स्टूडेंट्स, हियर यू हैव टू बी एक्वेंटेड विद द थर्ड ग्रुप ऑफ स्ट्रेंज वर्ड्स which may be traced as UM containing words at its last, such as agendum, memorandum, datum. Agendum, memorandum, datum, stratum, spectrum, and memorandum. And memorandum. So my dear students, here you have to be acquainted with the third group of keywords that behave strangely to make their plural number form. The word which may be traced as um ending words such as agendum, memorandum, datum, spectrum, stratum, and memorandum. These are the singular number form should be changed into plural number to alter UM with A, such as agendum. Agendum. अब यूएम की जगह क्या करना है? ए. तो हमारा क्या बन जाएगा? एजेंडा. तो माय डियर स्टूडेंट, हियर यू कैन सी दैट एजेंडम एजेंडा, मेमोरेंडम मेमोरेंडा, डेटम डेटा, स्पेक्ट्रम स्ट्रेटा, स्पेक्ट्रम
स्पेक्ट्रेटा स्ट्रेटम स्ट्रेटा मेमोरेंडम मेमोरेंडा। तो माय डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर दीज कीवर्ड्स वंस अगेन। एजेंडम एजेंडा मेमोरेंडम मेमोरेंडा स्ट्रेटम स्ट्रेटा स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रेटा स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रेटा स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रेटा मेमोरेंडम मेमोरेंडा। Once again, we have to discuss the question, data provided by the agency is not processed. डेटा का यहां जो एप्लीकेशन है वो सही नहीं है, क्योंकि डेटा प्लूरल कैटेगरी का वर्ड नहीं है। डेटा का जो यहां एप्लीकेशन है वो सही नहीं है, क्योंकि डेटा प्लूरल कैटेगरी का वर्ड है, और जबकि सेंटेंस में सब्जेक्ट डेटा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए था, इज नहीं आर होना चाहिए था। वर्ब के प्लेस पर इज है तो हमें सब्जेक्ट को भी सिंगुलर करना होगा या वर्ब को प्लूरल करना होगा, दोनों को सेम नंबर में रखा जाता है। तो हम डेटा को डेटम कर दें, इसका सिंगुलर फॉर्म ले लें, वो भी सही है। इज को आर कर दें तो भी बात बन जाती है। अब यहां आपके लिए जानने वाली महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस डेटा को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल था कि यह सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो कुछ स्ट्रेंज वर्ड्स हैं जिनको आज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, तो डेटा भी उनमें से एक तरह के कैटेगरी को क्रिएट करने वाला वर्ड है। डेटा इंफॉर्मेशन का जो यूनिट है उसका सिंगुलर फॉर्म डेटम होता है, डेटा प्लूरल फॉर्म है। तो डेटम जो सिंगुलर फॉर्म है, नेचुरल फॉर्म है, रियल फॉर्म है, इससे मिलते जुलते कुछ और कीवर्ड्स हैं जैसे एजेंडम मेमोरेंडम स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम। इससे मिलते जुलते कुछ और भी वर्ड्स हैं जैसे एजेंडम मेमोरेंडम स्पेक्ट्रम डेटम स्पेक्ट्रेटम एंड मेमोरेंडम। तो माय डियर स्टूडेंट, वी हैव टू डिस्कस अनदर क्वेश्चन। वेदर फेनोमेना हैव कंसर्न with global warming problem. Weather phenomena have का कैटेगरी क्या है? प्लूरल है। फेनोमेनाज क्या है? प्लूरल है, सही है, प्लूरल टू प्लूरल। लेकिन गलती ये हुई कि फेनोमेनाज का ये फॉर्म सही नहीं है। फेनोमेना अपने आप में प्लूरल है, इसमें इस लगाने की जरूरत नहीं थी। तो ये पहचान में आया कैसे कि फेनोमेनाज नहीं होना चाहिए, फेनोमेना इटसेल्फ क्या है? प्लूरल नंबर है और इसका सिंगुलर नंबर फेनोमेनन होता है। तो ये कुछ स्ट्रेंज वर्ड्स हैं जिनको मैं आज आपके सामने रख रहा हूं, उसमें ये अगला ग्रुप है। ऐसे कुछ और भी वर्ड्स आप देख सकते हैं, ऐसे कुछ और भी वर्ड्स आप देख सकते हैं जैसे फेनोमेनन क्राइटेरियन और माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदर फेनोमेनाज हैव कंसर्न विद ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम।
ग्लोबल वार्मिंग के प्रॉब्लम से हमारे मौसम संबंधी घटनाओं का संबंध है, ऐसा कुछ कहा गया है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेदर फेनोमिनाज हैव कंसर्न विद ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम। वेदर फेनोमिनाज हैव, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के फॉर्म को। तो वेदर फेनोमिनाज हमारा सब्जेक्ट है और हैव फिनाइट वर्ब है, हैव प्लूरल नंबर का है और फेनोमिनाज भी प्लूरल है। लेकिन समझने वाली बात यहां यह होगी कि फेनोमिनाज सही प्लूरल फॉर्म नहीं है, फेनोमिना इटसेल्फ प्लूरल है और इसका सिंगुलर होता है फेनोमिनन। जैसे एक और वर्ड देख सकते हैं आप क्राइटेरियन, तो क्राइटेरियन ओ इन लास्ट में, फेनोमिनन ओ इन लास्ट में, ये दो वर्ड्स आप याद रखेंगे जो अपना प्लूरल बनाते हैं। ओ इन वर्ड को रिप्लेस करके ये से, और क्राइटेरिया इनका प्लूरल होगा और फेनोमेना इनका प्लूरल होगा। फेनोमेनन और क्राइटेरियन सिंगुलर कैटेगरी के वर्ड हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, फॉर्मूलाज ऑफ वेदिक मैथमेटिक्स इज नॉट प्रैक्टिकल। फॉर्मूलाज ऑफ वेदिक मैथमेटिक्स इज नॉट प्रैक्टिकल। फॉर्मूलाज ऑफ वेदिक मैथमेटिक्स इज नॉट प्रैक्टिकल, वर्ब का फॉर्म क्या है, इज है, तो सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए था। यहां फॉर्मूलाज लिखा हुआ है जो मिसमैच हो रहा है, फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग यहां हमें आर देना चाहिए, या इस इज के अकॉर्डिंग हमें यहां फॉर्मूला देना चाहिए, और इस तरह से आप आंसर चूज कर लेंगे। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है आपके लिए कि फॉर्मूलाज प्लूरल फॉर्म में यहां लिखने की कोशिश की गई है, लेकिन यह फॉर्म सही नहीं है। फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्मूले, एफ ओ आर एम यू एल ए, मतलब ई को प्लस करके बनता है, ई इसमें जोड़ देते हैं। ऐसे कुछ और भी कीवर्ड्स हैं जैसे अलजेब्रा, वर्टेब्रा, अलजेब्रा, तो ये तीन वर्ड्स को भी आप ध्यान में रखें, वर्टेब्रा, अलजेब्रा और फॉर्मूला। इनमें ई प्लेस करेंगे, बाहर से ई अप्लाई करेंगे, तब जाकर के इनका प्लूरल फॉर्म बनेगा। जैसे फॉर्मूला का फॉर्मूले, वर्टेब्रा का वर्टेब्रे, अलजेब्रा का अलजेब्रे। तो यहां या तो हमें क्या था, फॉर्मूले लिखना होगा, और यदि वहां फॉर्मूले लिखेंगे तो फिर इसको हमें आर करना होगा, और नहीं तो यहां सिंगुलर देना चाहें तो इज सही हो जाएगा, और तब उसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला। तो माय डियर स्टूडेंट, हियर यू कैन बी एक्वेंटेड विद एन अनदर ग्रुप ऑफ स्ट्रेंज वर्ड विच हैव देयर ओन पर्टिकुलर स्पेशल प्लूरल फॉर्म दैट कैन बी ट्रेस्ड एज एल ए, दैट कैन बी ट्रेस्ड एज कंटेनिंग ए एट इट्स लास्ट। फॉर्मूला फॉर्मूले, वर्टेब्रा वर्टेब्रे, अलजेब्रा अलजेब्रे। तो माई डियर स्टूडेंट, यू हैव टू मस्ट बी क्लियर अबाउट दीज फोर कैटेगरीज ऑफ स्ट्रेंज कीवर्ड्स विच हैव देयर ओन पर्टिकुलर स्पेशल प्लूरल फॉर्म, सो दैट कैन बी यू एबल टू चूज द राइट फॉर्म ऑफ फिनाइट्स एंड प्रोनाउंस। फर्स्ट ग्रुप में जो वर्ड है उसको आप यू एम एंडिंग वर्ड के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और यहां पर हमने कुछ वर्ड्स आपके सामने रखा था जैसे एजेंडम, मेमोरेंडम, डेटम,
एजेंडम, मेमोरेंडम, डेटम, स्ट्रेटम, स्पेक्ट्रम एंड मेमोरेंडम। यू एम इंडिंग वर्ड्स, और ये यू एम इंडिंग वर्ड्स में यू एम को रिप्लेस करना है आपको ए से, और उसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा सच एज एजेंडम, डेटम, मेमोरेंडम, स्पेक्ट्रम, स्ट्रेटम एंड मेमोरेंडम। फर्स्ट यू कैन रिकॉग्नाइज एज यू एम इंडिंग वर्ड्स दैट मे बी चेंज इन टू इट्स प्लूरल फॉर्म टू पुट ए इन स्टेड ऑफ यू एम। द की वर्ड्स ऑफ दिस ग्रुप मे बी रिकॉग्नाइज्ड एज एजेंडम, एजेंडम, डेटम, मेमोरेंडम, स्पेक्ट्रम, स्ट्रेटम एंड डेटम। सेकेंड ग्रुप ऑफ स्ट्रेंज वर्ड विच हैव इट्स ओन पर्टिकुलर स्पेशल प्लूरल फॉर्म मे बी रिकॉग्नाइज एज सिस, एस आई एस, कंटेनिंग वर्ड्स एट इट्स लास्ट। दोज मे बी चेंज इन टू प्लूरल नंबर टू रिप्लेस एस आई एस विथ एस ई एस, सच एज द वर्ड्स बिलोंग्स टू दिस कैटेगरीज आर एनालिसिस, बेसिस, क्राइसिस, थेसिस, ओएसिस। दिस सिस कंटेनिंग वर्ड्स आर सिंगुलर और दे कैन बी चेंज इन टू प्लूरल टू पुट एस ई एस इन स्टेड ऑफ एस आई एस। सो द प्लूरल ऑफ एनालिसिस इज एनालिसिस, बेसिस, बेसिस, क्राइसिस, क्राइसिस, थेसिस, थेसिस, ओएसिस, ओएसिस। नेक्स्ट द थर्ड ग्रुप ऑफ स्ट्रेंज वर्ड्स विच मे बी रिकॉग्नाइज एज यू एस इंडिंग वर्ड्स, दे मे बी चेंज इन टू प्लूरल टू पुट आई इन स्टेड ऑफ यू एस। तीसरा महत्वपूर्ण ग्रुप जिसमें मैं एक्सेप्शनली आज स्ट्रेंज वर्ड को रिकॉग्नाइज करा सकता हूं वो है यू एस इंडिंग वर्ड्स सच एज एलुमिनस, फोकस, फंगस, रेडियस, जीनियस, ओएसिस। सच एज एलुमिनस, फोकस, फंगस, जीनियस, रेडियस, ओएसिस। और एसिस थर्ड ग्रुप कैन बी रिकॉग्नाइज्ड कंटेनिंग यू एस एट इट्स लास्ट और दे कैन बी चेंज इन टू प्लूरल नंबर टू पुट आई इन स्टेड ऑफ यू एस एट इट्स लास्ट। तो तीसरा ग्रुप जो स्ट्रेंज वर्ड की श्रेणी में मैं आपके सामने रख रहा हूं वो यू एस लास्ट में कंटेन करने वाला वर्ड है सच एज एलुमिनस, फोकस, फंगस, रेडियस, जीनियस, ओएसिस। सच एज एलुमिनस, फंगस, रेडियस, जीनियस, कैक्टस। सच एज एलुमिनस, फोकस, फंगस, जीनियस, कैक्टस। इसमें यूएस की जगह पर आई को लिख करके इनका प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। सच एज एलुमिनस का प्लूरल होगा एलुमिनी, फोकस का होगा फोकी, फंगस का होगा फंगी, रेडियस का होगा रेडी, जीनियस का होगा जेनी और कैक्टस का होगा कैक्टी। नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कीवर्ड्स दैट वी हैव स्ट्रेंजली ऑन द बेसिस ऑफ दियर नंबर चेंजिंग मैकेनिज्म ओ एन इंडिंग वर्ड्स। ओ एन इंडिंग वर्ड्स इस श्रेणी में मात्र दो ही वर्ड मैं आपको दूंगा, फेनोमेनन और क्राइटेरियन। ये फेनोमेनन सिंगुलर नंबर वर्ड है और क्राइटेरियन भी सिंगुलर नंबर वर्ड है। इनका प्लूरल फॉर्म जो होगा वो ए एन को, ओ एन को ए से रिप्लेस करके होगा सच एज फेनोमेना और क्राइटेरिया, जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा भी था।
फेनोमेना प्लूरल वर्ड है और इसको प्लूरल वर्ब के साथ अटैच करना चाहिए था, जबकि क्वेश्चन में वो कर दिया गया था सिंगुलर के साथ, ऐसा हम लोगों ने देखा था। तो दीज आर द फोर ग्रुप्स ऑफ स्ट्रेंज वर्ड्स दैट मस्ट बी एक्वेंटेड विथ यू टू मेक यू मोर क्लियर टू गैदर मोर मार्क्स इन फोर्थ कमिंग एग्जाम्स। सो माई स्टूडेंट्स, मैनी मैनी थैंक्स टू यू फॉर बींग विथ हस, मैनी मैनी थैंक्स टू यू।